देखिए, पहले आपको स्कैन करना होता है। स्कैन कैसे करते हैं? ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक करके, अगर स्कैन किया हुआ है तो आपको सिर्फ क्रॉस कर देना है, दोबारा दोबारा स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सिंपल मैसेज कैसे भेजना है, मैनुअल इंपोर्ट में जाना है। मैनुअल इंपोर्ट में आपको, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ कोई, चलिए मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम जो लिखते हैं, इसके आगे जो भी आपकी लाइन बाय लाइन नंबर आपको लिखने होते हैं, या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप एक्सेल से। और इसमें अगर आपके 91 नहीं है किसी भी नंबर में, तो आप इंसर्ट कंट्री कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 91 लिखेंगे। यहाँ पे 91 लिख देते हैं। 91 लिखने के बाद आपका नंबर 91 के साथ मिल करके ऐड होकर के आ जाएगा, कॉन्केटिनेट होकर के मिल जाएगा। अब 91 के साथ सारे नंबर मान लीजिए हमारे हो गए, तो आपको सीधा सीधा ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप मैसेज लिखना है। जो आपका मैसेज आप वो टाइप कर सकते हैं, हेलो जैसे मैं लिखता हूँ, है ना, तो हेलो मैंने लिख दिया। और यहाँ पर अगर कोई इमेज लगानी है तो आप सीधा सीधा फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोटो। और जैसे कि पिक्चर्स में अगर कोई मुझे पिक्चर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, शायद इसमें मिल सकती है, इसमें भी कोई फाइल नहीं है। स्कैन डॉक्यूमेंट्स, वेलकम स्कैन, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ सेंड पे, सेंड नाउ पे जैसे क्लिक करूँगा तो दो ऑप्शन मुझे मिलेंगे। सेंड नाउ से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका डिवाइस रेडी है या नहीं, और रेडी होने के बाद आप सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे और ब्लाइंड मोड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप न्यू चैट्स को भेज रहे हैं, अगर आपके जितने भी नंबर है वो सारे सेव्ड हैं और उनसे आप चैट कर चुके हैं, तो आप सेफ मोड यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं ब्लाइंड मोड यूज़ करूँगा क्योंकि मैं इस नंबर पर चैट नहीं किया हुआ हूँ। तो जैसे हम यूज़ करेंगे, सेंड पे क्लिक करके ये मैसेज भेजेगा इस नंबर पे। नीचे आप देख सकते हो कैंपेन डन हो गया और यहाँ पे मैसेज जा चुका है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो सिंपल सिंपल मैसेज। ये मैसेज सिंपल सिंपल आप कर सकते हो, प्लस कोई फिल्ट्रेशन करनी है सेम प्रोसेस उसके लिए, आप नंबर मैनुअली पेस्ट कर दो और इम्पोर्ट कर दो और स्टार्ट चेकिंग करोगे तो वो नंबर फिल्टर हो जाएंगे कौन सा व्हाट्सएप पे है कौन सा नहीं। मेन जो फंक्शन है वो यही है। और सेकंड अगर मैं बात करूँ ग्रुप ग्रैबर, अगर आपको ग्रुप निकालने हैं तो ग्रुप में से आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे रियल इस्टेट का सेलेक्ट करना है, रियल इस्टेट में से सेलेक्ट करके गेट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम सेलेक्टेड ग्रुप, तो ये 91 लग करके सारे नंबर आ गए, क्योंकि व्हाट्सएप के नंबर हैं सारे 91 लग के ही आएंगे, कंट्री कोड के साथ आएंगे। तो आप इसको ऐड टू सेंडर लिस्ट अगर करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, अगर मैं इसको फिलहाल कट कर देता हूँ तो आप पीछे देख सकते हो नंबर आपको पीछे मिल जाएंगे। तो इसी टाइप से आप इनको अगर मैसेज भेजना है तो आप सेंड नाउ कर सकते हो। फिलहाल अगर मैं क्लियर लिस्ट करता हूँ तो क्लियर लिस्ट करने के बाद ये ऑप्शन होता है, यस। मेन जो फंक्शन है वो यही है, बाकी आपको यहाँ पर अटैच करना है, ये आपको राइट क्लिक करके डिलीट कर लेनी है फाइल, हटाना है। तो एक चीज़ बताऊंगा, जैसे अगर आपका कैंपेन कोई बीच में कैंसिल हो गया तो आपको इसको क्लोज करना है, क्लोज करके यस करना है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, जो आप कैंपेन बीच में रोकते हो तो वो दोबारा से बीच से ही स्टार्ट हो जाता है अगले नंबर पे, और फिर वो डबल मैसेज जाने लगते हैं। तो एक बार अगर आप कैंपेन स्टार्ट करते हो तो वो जाता रहना चाहिए। बाकी इसमें सिंपल सिंपल यही है, और ज़्यादा इसका यूज़ अगर देखा जाए तो कोई करता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही है।